चीज़ें मैंने डाल दी हैं, साथ ही पानी भी खुश्क हो जाएगा, तो फिर मैं ना दही डालती हूँ फेंट के। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, अगर अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को विद नान को सब्सक्राइब नहीं किया या आप लोग हमारे चैनल पर नहीं आए, जल्दी से हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं ताकि आपको मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी टाइमली होते रहें। तो व्यूवर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो है अरबी गोश्त, और ये किस तरह बने, किसी तरकीब क्या है, ये जानते हैं मम्मा जी। मम्मा अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, ये मैंने 3 प्याज बड़े बड़े, तो 2 लहसुन के गट्ठे वो मैंने छील के डाल दिए, आधा पौना चम्मच हल्दी का डाल दिया, आधा चम्मच सूखा धनिया का डाल दिया। ये देखें, एक क्योंकि शोरबा सा बनाना ना, ये 1.5 चम्मच मिर्च का, ठीक है जी। तो ये आधा चम्मच नमक का, ठीक है, ये मैंने डाल दिए। ये आधा किलो अरबी है, नमक लगा के छील के मैंने रख दी है, ठीक है। ये पड़ी रहेंगी, ये ना लेस होती है ना इसमें, इसलिए नमक लगाया इसे, ये ना लेस ख़त्म हो जाएगी इसकी। तो ये फिर मैं रख देती हूँ पकने के लिए, ये पक जाएगा, गोश्त गल जाएगा जब, फिर दही डाल के भूनेंगे, ज़ीरा डाल के भूनेंगे, फिर घी डाल के, फिर ना उसके बाद अरबियाँ डाल के फिर आपके दिखाती हूँ। इसको उबाला आ चुका है, ये पकने लग गया है, इसको अब हम ढक कर रखते हैं और फिर आपको दोबारा दिखाते हैं। ये मैंने डाल दी है, साथ ही पानी भी खुश्क हो जाएगा, तो फिर मैं ना दही डालती हूँ फेंट के, ठीक है। व्यूअर्स, तो आप लोगों को जैसे कि पता है कि आज की हमारी रेसिपी है अरबी गोश्त, तो गोश्त हम लोगों ने पहले पकने के लिए रख दिया था और उसकी तरकीब हमने आपके साथ शेयर कर दी है कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने शामिल की हैं और गोश्त को हमने पकने के लिए रखना है। तो अब हम लोग जो सा है वो अरबियाँ इसके अंदर डाल चुके हैं और दही जो सी अच्छी तरह से बीट करने के बाद हमारे इसके अंदर शामिल करनी है। अभी कर देनी, थोड़ी देर तक कर देनी, और अभी हम लोगों ने शामिल कर देनी है आधी कटोरी दही की डाली मैंने। हाफ कप जो सा है वो मम्मा ने योगर्ट ऐड कर दिया इसके अंदर, इससे ये ना सालन भी गाढ़ा हो जाएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है अरबी के सालन में दही का, मतलब खटास हो जाएगी इससे। टमाटर नहीं ऐड की तो दही से ये थिकनेस भी हो जाएगी, दूसरा इसका टेस्ट जो है वो भी डेवलप हो जाएगा अच्छा सा। तो मम्मा अब हम लोग क्या करेंगे, मतलब पानी खुश्क होगा ना, फिर ठीक है। तो हम लोगों ने पानी को रिड्यूस करना, उसके बाद हम लोग को शामिल करेंगे, तो अच्छे से हम लोग उसको भूनेंगे और आप लोगों के सामने ही हम लोग जो सी है स्पेशल रेसिपी अरबी गोश्त को तैयार करेंगे। हाँ जी, मैं तेल डाल रही हूँ, 2 डोइयाँ डाल दी, अब 5 मिनट और भूनते हैं, फिर पानी डाल देते हैं अपने हिसाब से, जितना आपने शोरबा बनाना है रस मिसा सा, जैसे भी जीरा। हाँ जी, ये देखिए माशाल्लाह 5 मिनट हो गए हमने भून लिए हांडी को अच्छी तरह, अब मैं पानी डालने लगी बस। अब इसको पकने के लिए हम लोग रख रहे हैं और दोबारा फिर आपको दिखाते हैं। अच्छी तरह मैंने हिला दिया, बस आप लोग देख सकते हैं कि जो सा हमारी रेसिपी फाइनल हो गई है, पकने लग गई है। अब लास्ट पे हम लोग इसके अंदर जो सा वो मेथी शामिल कर रहे हैं ताकि इसकी जो सी खुशबू और जायका अच्छा हो जाए, और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। बस आप लोग देख सकते हैं कि अब हम लोगों ने इसको डिश आउट कर लिया है, घी भी इसके साइड पर आ गया, जो सा गोश्त है वो भी गल गया है और अरबियाँ जो सी हैं वो भी गल गई हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सी जो सी स्पेशल रेसिपी है हमारी अरबी गोश्त, वो हम लोगों ने तैयार कर लिया है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज की हमारी रेसिपी पसंद आएगी, पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक ज़रूर दें और इस तरह की नित नई रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को विद नाज़रीन के साथ जुड़े रहें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी ट्रिगोनोमेट्री टाइमली मिलते रहें। तो व्यूअर्स, देते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हम आपके लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।